चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि फिर से उनकी हरकतों का जो पर्दाफाश हो चुका है और यहीं पर कश्मीरी सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट यासिन मलिक की जो बेगम है, जो उनकी बीवी है, अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो केयरटेकर सरकार है उसमें वहां पर उनको मंत्री पद का जहां पर हिस्सा अब उन्हें मिल गया है। मशाल हुसैन मलिक वहां पर बताया जा रहा है कि जहां पर पाकिस्तान की जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर की जो स्पेशल असिस्टेंट फॉर ह्यूमन राइट्स का उनको ये पद मिला है। याद करिए यहां पर अगर उनके हस्बैंड के बारे में बात करें तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फंड के कमांडर रह चुके हैं यासीन मलिक, और वो अभी फिलहाल लाइफ सेंटेंस अपने बिता रहे हैं दिल्ली के तिहाड़ जेल में, और उन्हें कन्विक्ट किया गया है टेरर फंडिंग केस में। लेकिन बार-बार जो पाकिस्तानी अपोलॉजिस्ट है, वही लोग जो बार-बार कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए और इस तरीके से डायलॉग के बारे में बात करते हैं, आज उनका भी पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यहां पर अगर मुशाल के अपने रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो काफी हद तक ऐसे कई हिस्से सामने आए हैं लगातार जब वो भारत पर हमलावार हुई हैं, और हमने देखा है कि किस तरीके से पहले भी जो उनके कमेंट्स रहे हैं वो काफी रिप्रेहेंसिबल रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि जहां तक अगर मुशाल मलिक के बारे में बात करें तो अब उन्हें एक तरीके का रिवॉर्ड मिला जा रहा है पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, जहां तक उन्हें अपने इनर सर्कल में अब इन्वॉल्व कर लिया गया है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो प्रमोशन की तरह देखा जा रहा है यहां पर मुशाल मलिक की। हम जो उनकी पिछले स्टेटमेंट्स जितने रही हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे और आपके स्क्रीन पर फिलहाल चला रहे हैं। ये जहां तक ये जो अपोलॉजिस्ट है और उनका आखिरकार क्या कहना है, क्योंकि वो बार बार कश्मीर का नाम लेते हैं और ये जो एक पुराना रिकॉर्ड है वो एक एक करके बस चलता ही रहता है, और बार बार जिस तरह से कश्मीरी की जो वो कहते हैं कि वो आवाज उठाना चाहते हैं, ये आखिरकार किसके बलबूते हो रहा था, आखिरकार कौन सपोर्ट दे रहा था, वो अब सबके सामने आ चुका है जो असली स्टोरी है, जो असली कहानी। अब ये प्रमोशन को तरीके से भारत में से किस तरीके से देखा जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बीजेपी अब सिर्फ जो पाकिस्तान की जो ब्रेजननेस है उसके ऊपर सवाल नहीं उठा रही, लेकिन आखिरकार जो सिंपथाइजर्स रहे हैं पाकिस्तान के और जो सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करते हुए वही आवाजों पर आज बीजेपी सवाल उठा रही है। कि वहां की सरकारें कितनी देर चलती हैं ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान द्वारा जानबूझकर लिया हुआ कदम है। यासिन मलिक हिंदुस्तान का दोषी है, कई हत्याकांडों में उसका नाम है, बड़े मामलों में उसको सजा हो चुकी है। पाकिस्तान तो कश्मीर में एक मैसेज देना चाहता है, लेकिन कश्मीर के लोग आज समझते हैं कि इन लोगों ने वहाँ के नौजवानों को तबाह किया है। ये अभी हाल ही में मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने बाद इलेक्शन हो जाएंगे, कि राजनीतिक चाल है और दोहरी मानसिकता का प्रतीक है। यासिन मलिक अ मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी हिंदूज, a man responsible for rape of scores of women, a man responsible for the death of many innocent. His wife Mushal gets nominated as advisor to Pakistan Prime Minister on human rights. Mushal herself supports her husband in his crime against humanity, in his crime against women. Pakistan continues to expose itself as a state which rewards terrorists and their terror supporters. It is time the world gets up and isolates Pakistan before Pakistan does more damage to the rest of the world. यासीन मलिक की बीवी को आज पाकिस्तान के अंदर मिनिस्ट्री का ओहदा दे दिया। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जी जो बार बार गुणगान करते थे पाकिस्तान का, आज क्यों नहीं बोल रहे वो, जिन्होंने यहाँ पे इतना कत्लेआम किया, आज उनको सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि हिंदुस्तान के पीछे जो भी सबसे बड़ा हाथ है वो पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान के सपोर्टर यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती हैं। अब हमने देखा है जिस तरीके से बीजेपी और बाकी अन्य जितने नेता है और कश्मीरी पंडितों को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आकर सीधे तौर पे एक्सपोज कर रहे हैं पाकिस्तान की इस हरकत को, और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि यासिन मलिक जो कत्लेआम में शामिल रहा है, जहां तक अगर हम कश्मीरी पंडितों के बारे में बात करें, अगर उनकी बीवी को अगर ये ओहदा दिया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिसे विमेन एम्पावरमेंट के चश्मे से उसे देख रहे हैं। एक बार उनकी तरफ से भी रिएक्शन सुन लेते हैं। Well, I believe let's look at the development through the prism of women empowerment. I mean, the neighboring country has given space to a woman from Pakistan-occupied Kashmir in its cabinet. Now, the bigger question is, will our government, the Bharatiya Janata Party government at center, give space to any woman from Jammu and Kashmir, be it even a Kashmiri Pandit woman, as a part of the cabinet? Now, this is the largest...